फोटो मार रहा हूँ। ये जो कल वारदात हुई थी, जो रेप हुआ था माइनर के साथ, उस विषय पे हम लोग मिलने आए हैं एसपी साहब से, और हम लोगों ने कहा है कि उनको जो ये कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने इस तरह का काम किया, उसको जल्द से जल्द इन लोगों को अरेस्ट होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। और एसपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि वो बहुत सतर्क है, पूरा गश्त लगी हुई है, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और बहुत जल्दी अरेस्ट भी किया है उन्होंने। उनके फैमिली मेंबर्स हैं जो ये फरार है, जो मुलजिम है, जो फरार है, उसके फैमिली मेंबर्स से पूछताछ हो रही है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और अब कह रहे हैं बहुत जल्दी वो भी गिरफ्त में आ जाए। मैम, एक माँ के साथ उसकी बच्ची और इस तरीके से बात, बिल्कुल बहुत गलत, बहुत दुख की बात है और मतलब बहुत ही शर्म की बात है, दुख की बात है। इसलिए अब मैंने इनको कहा है कि जल्द से जल्द आप इस पर एक्शन लीजिए, क्योंकि अगर आज ये चीज़ हुई है, कल को और चीज़ें होंगी, तो हम लोग बिल्कुल इसको लाइटली नहीं ले सकते। आप भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एंबेसडर और आप ही के ग्रेजुएट? अभी नहीं हूँ मैं एंबेसडर, पहले थी, लेकिन वो बात ये नहीं है एंबेसडर हूँ या नहीं हूँ, ये हर किसी का फ़र्ज़ बनता है। ये ना केवल मैं एमपी हूँ इसलिए मेरा फ़र्ज़ है, ये हर एक नागरिक का फ़र्ज़ है कि हम लोग इस तरह की चीज़ों को लाइटली ना लें और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल होने ना दें। हमारे आँखों के सामने ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, हम लोग क्या करते हैं, आँख नीच लेते हैं, मुँह फेर लेते हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता क्या? ये सिर्फ गवर्नमेंट और प्रशासन का काम नहीं है, ये हर एक सिटीज़न का काम है। मैम, कल डीजीपी अजमेरी थे, उनके कानों तक ये बात नहीं पहुंची, बहुत देर तक अजमेर रहे, 12 घंटे उसके बाद भी सही जी नहीं। हम लोग उनसे भी बात करेंगे, सीएम तक बात होगी कि ये अगर एक्शन नहीं लिया जाता और अगर उसको अरेस्ट नहीं किया जाता आज कल में, तो डेफिनेटली हम लोग ऊपर तक बात करेंगे और मैं तो आज ही वैसे बात करूँगी डीजीपी साहब से। कल भी हम एसपी से मिले थे और आज भी मिले हैं, निश्चित तौर के ऊपर पुलिस अपना काम कर रही है और आज कल में ही ये बिल्कुल गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि एक आदमी को नामजद कर लिया है, उन्होंने पहचान भी लिया, लेकिन वो नाम नहीं खोल रहे हैं, तो इसलिए हमने ज़्यादा दबाव भी दिया। हमारा उद्देश्य एक ही है, मुलजिम बचने नहीं चाहिए, मुलजिम पकड़ में आने चाहिए, बस। किस तरह का ये जो हुआ है, हाँ, कहाँ पर हुई घटना, किस तरह का? ये ब्यावर में ये टॉटगढ़ रोड के ऊपर हुई है ये घटना, जिस जगह पर लड़की को उठाया गया है, ये जो कि झोपड़ी में रहने वाले बालवेलिया परिवार की है, बागरिया परिवार की है बच्ची, लेकिन किसी भी परिवार की हो, किसी भी समाज की हो, लेकिन ये रेप इस प्रकार की घटना है, बहुत दुखद है, पुलिस कर रही है इस प्रकार।